ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक और नए व्लॉग वीडियो में। और अभी हूँ मैं अहमदाबाद स्टेशन पे, और जामनगर टू अहमदाबाद मैं जिस सौराष्ट्र मिल में आया, ये खड़ी है सौराष्ट्र मिल। और भाई हालत ख़राब हो गया है, एक सेकंड मैं इसको ठीक कर लूँ अपना केस। हाँ, जामनगर टू अहमदाबाद आने में मेरा हालत ख़राब हो गया भाई। मेरा टिकट था नहीं कन्फर्म, जनरल में आया, सोचा जनरल में आऊँगा, कॉन्टेक्ट मिल जाएगा, वीडियो बनाऊंगा मस्त अपना। दुनिया की सबसे बड़ी गलती की होगी, पर सीट मिल गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। एक लड़की थी जनरल में बैठी हुई थी भाई, इतना एडवांस बन रही थी सही में भाई। इसकी स्टोरी मैं बताऊंगा ना तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, तो वीडियो लंबा नहीं बनाते। और अभी मेरा ट्रेन अहमदाबाद पटना 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर आएगा, 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 मेरे को इस साइड जाना, मेरे बस जा रहा हूँ। अच्छा हाँ, 5-6 देखते हैं। अभी आ गए हैं और आगे क्या होता है बताऊंगा आपको। पता नहीं मेरी वॉइस भी क्लियर आ रही है कि नहीं, हालत ख़राब हो गया। कहीं जाता हूँ, खाना पीना खाता हूँ, खाना तो मम्मी ने घर से ही दे दिया था, तो खाना पीना लेके आया हूँ। मतलब रात का खाना तो शायद कर ही लूँगा अभी स्टेशन पे ही, उसके बाद का देखते हैं, मिलते हैं अगर आगे कुछ होता है तो। अहमदाबाद जंक्शन पे गाइस, यहाँ नया प्लेटफॉर्म बन रहा है, देखिए 8 नंबर तक तो पहले तक है, 8 के बाद ये क्लियर का नहीं आ रहा है, 8 के बाद ये नया बन रहा है, 9, 10, 11, 12 तक बन रहा है। अभी मैं 8वें नंबर पे आ गया गलती से, मुझे जाना है 1 नंबर पे, मिलते हैं आगे आपसे। ऑलराइट गाइस, अभी हमारे सामने एक गाड़ी आई हुई है और हम यहाँ बैठे हैं पंखे के नीचे, पूरा पसीना पसीना हो गए, पूरा हालत ख़राब हो गया। अभी यहाँ पे लिया है कुछ ड्रिंक, ड्रिंक के नाम पे मैं अमूल दूध पीता हूँ, मेरे को सबसे बेस्ट अमूल दूध या माजा। हाय हाय भाई, तुम लोग हो गए रेडबुल पीने वाले, बट अमूल दूध और माजा में जो वाइब है ना, सही बोल रहा हूँ वैसा सही में, वो अगर मेरे को कोई कंपटीशन करवा दे ना कि 50 बोतल पीना है अमूल दूध या फिर माजा का 1 लीटर 2 लीटर वाला बोतल पीना है, मज़ा आ जाए, बस उसके पैसे वो दे कंपटीशन वाला। हाँ, मेन बात ये है कि मैं अभी अहमदाबाद स्टेशन पर पहुँचा, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ। कि मैं आया था सौराष्ट्र मेल में, जो ओखा से जाती है मुंबई तक, उस ट्रेन का मैं ब्लॉग बनाने वाला था, और इस ब्लॉग को करने वाला था 3 पार्ट में, क्योंकि मैं इस बार जा रहा हूँ गांव, और गांव में सीन ऐसा है कि मैं 3 ट्रेन चेंज करके जाऊँगा। पहला ट्रेन है सौराष्ट्र मेल, दूसरा ट्रेन है ADI पटना एक्सप्रेस, मतलब अहमदाबाद टू पटना डायरेक्ट, तो पटना से मेरे को इंटरसिटी लूँगा भागलपुर तक की, अगर मिले तो, नहीं तो जो भी ट्रेन मिलेगी वो ले लूँगा। तो सोचा मैं 3 ट्रेन चेंज करूँगा, 3 ब्लॉग बनाऊँगा। भाई मुश्किल से जनरल बोगी में घुसा मैं, क्योंकि मेरा टिकट कंफर्म नहीं हुआ था, तो जनरल में उनका टिकट लिया मैंने 1 घंटे पहले, और जनरल से आया, और मैंने बोला अहमदाबाद, सोचा 7-8 घंटे का रास्ता है, वो भी सुबह है, कौन सा रात का है, निकल जाएगा, इतनी भीड़, बैठने तक की वेट नहीं, थोड़ा एडजस्ट कर बैठा। और वही है कि एक पोजिशन में बैठोगे तो आपके जो है वो दर्द करने लगेंगे दोनों साइड के, भाई दर्द कर रहा है, और हिल भी नहीं सकते क्योंकि बाजू में 2 लोग, मतलब एक सीट पे ऊपर 5 लोग बैठे हुए थे, इमेजिन कर लो 4 लोग मिनिमम बैठ सकते हैं, पर 5-5 लोग बैठ के गए थे, उसमें भी एक लड़की इतनी एडवांस बन रही थी, उतनी एडवांस बन रही थी, ठीक है समझ आता है कि एक लड़की बैठी है तो उसे अनकम्फर्टेबल फील होगा, तो उसके बाजू में 4 लोग बैठेंगे, 4 लोग किसी तरह एक जगह एक जनरल में 4 लोग ऊपर बैठ सकते हैं, तो 4 लोग ही बैठेंगे, उसमें से भी उसके बाजू में एक औरत बैठी थी, उसके बाजू में उसका बेटा बैठा था, वो इतनी एडवांस बन रही बोल रही आपका बेटा मुझे धक्का दे भाई, सही में वो हर किसी से ट्रेन में झगड़ा कर रही है। और एक तो ट्रेन में रेल लेन नहीं बेच रहे थे, मतलब जामनगर स्टेशन पे रेल लेन मिल रहा था, पर आगे के स्टेशन पे रेलवे मिलना बंद हो गया, वो तो मेरे को पता ही था, पर पानी पीना ज़रूरी है, तो 20 रुपये बोतल दे रहा है भाई, उसको पता नहीं क्या हुआ, उसने झगड़ा कर लिया भाई। उसकी पॉइंट तो सही था कि 15 रुपये बोतल है, MRP 20 रुपये था, कैंट का था या किसका था पता नहीं,
MRP उसमें लिखा है कि 20 रुपये का, तो MRP के हिसाब से तो उसको 20 देने पड़ेंगे ना, भले रेलवे सेटपैक पानी नहीं दे रहा है कोई, पर अगर गुजारा करना है तो आपको अगर वो पानी लेना है तो उसका जो MRP देना पड़ेगा, पर नहीं। उसके बाद भी मैं उतरते टाइम अहमदाबाद स्टेशन, तो उसने इतना झगड़ा किया, बोला सबसे पहले मैं उतरूँगी कर करके। अभी मैं प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे, खाना मैं घर से मम्मी ने मेरे को पैक करके दे दिया था, जस्ट एन इंडियन, नॉर्मल इंडियन फैमिली। और देखते हैं क्या करना है, अभी यहीं बैठ के मैं खाता हूँ। मेरा ट्रेन अभी कितने बजे है भाई? 9:50 को है, तो 9:50 को ट्रेन है, अभी बज रहा है 8:50, एक घंटा है मेरे पास, आधे घंटे में निपटा उपटा के जाता हूँ वापस प्लेटफॉर्म पे। अपना जो है 8 नंबर पे आने वाला है ट्रेन, अपना 8 नंबर प्लेटफॉर्म पे, अभी 1 पे हूँ। एक खाली वो ताला ढूंढ रहा हूँ, कोई भेजने वाला स्टेशन पे मिल जाए तो मेरा क्या, नीचे मेरा बर्थ है साइड अपर, तो नीचे मेरा सीट रहेगा। फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा, तो पापा ने बोला कि लगा लेना अपना ताला। देखिए अभी खाना खाता हूँ, फिर जो होता है बताता हूँ आपको। ऑलराइट गाइस, आपको वहाँ जो मैंने दिखाया वो लॉन्च भी मिल जाएगा, अगर आपके पास पैसा है तो आपको लॉन्च ले सकते हो। कुछ था 8 घंटे का 1200 रुपया, मतलब पैसा है तो सब कुछ है, वही बात है यहाँ पे भी, पैसा से ही सब कुछ खरीद लिया जाता है गाइस। 90% प्रॉब्लम पैसे से ही ख़त्म हो जाएगा, अगर आपके पास पैसा है तो आपको कोई टेंशन ही नहीं है, 10% टेंशन फिर वो रहता है कि अब इतने पैसे को कहाँ खर्चा करें, तो बात यही है। और अभी मैं जा रहा हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे वापस, जहाँ पे मेरी ट्रेन आएगी, तब तक एक सोच रहा हूँ एक माजा ले लूँ रात को, क्योंकि तो घर से जो खाना लाया था वो तो थोड़ा सुबह दोपहर का बनाया था, इसलिए ठंडा हो गया था, तो इतना मज़ा नहीं आया, फिर भी भूख लगा था तो खाना ही पड़ता है। देखते हैं यहाँ मिलता है तो बताते हैं आपको। माजा है भैया, माजा माजा नहीं है यहाँ पे, माजा के नाम पे कोई और ही ब्रांड बेचा जा रहा है। मैं किसी पे भरोसा वैसे भी नहीं करता हूँ, भरोसा करना मैंने बंद कर दिया। और अभी तेजस एक्सप्रेस का दिखा रहा था कि क्रॉसिंग होगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि तेजस एक्सप्रेस का क्रॉसिंग, क्योंकि मैंने भी आज तक तेजस एक्सप्रेस देखा नहीं, कौन सा प्लेटफॉर्म पे ऊपर चढ़ के पता चलेगा। अरे महाराज, फिर से ऊपर चढ़ना पड़ेगा, साला लिफ्ट लगा दिया है, लेकिन लिफ्ट अपोजिट साइड है, उतना चल के जाऊंगा तब तक उतना लाइन में लगूंगा, तब तक तो सीढ़ी से ही चढ़ जाऊंगा ऊपर, फिर सीढ़ी के बाद तो ऊपर सीधा लाइन है, तो चलो। तो मैं ये फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कैमरे का पैसा है नहीं मेरे, यूट्यूब मोनेटाइज हुआ नहीं है, तो कैमरा का पैसा है नहीं मेरे पास, फिर भी पता नहीं, मुझे पता है कि क्लियर वॉइस नहीं आ रही, फिर भी एडजस्ट कर लीजिएगा, अभी तक आप एडजस्ट करते हुए आ रहे थे, अभी भी आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरा क्या दिमाग घूम गया, इसलिए आज मैं ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूँ। देखो यहाँ से आप जाओगे ना तो टैक्सी वाले पहले ही खड़े रहेंगे, आपको खड़े मिलेंगे, वो आपको बोलेंगे कि यहाँ से यहाँ आ जाओ, हम आपको वहाँ छोड़ देंगे। बेस्ट ओपिनियन देता हूँ, आप किसी भी जगह हो, स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, खाली मैप पे नहीं तो कहीं पे भी देख लो, 1 किलोमीटर दूर एक पॉइंट आता होगा, जैसे चौराहा, मतलब 3-4 रास्ते मिल रहे होंगे, हर स्टेशन के पास होता ही है मोस्टली 90%, वहाँ पे जाइए और वहाँ से ऑटो पकड़िए, क्योंकि यहाँ पे रेट डबल होता है। आप जैसे किसी नए स्टेशन पे, तो वहाँ पे आपको बोल देगा चलिए मैं आपको 50 रुपये में ले जाता हूँ, पर आप 1 किलोमीटर ही आगे से पूछोगे तो आपको 20 या 25 में ले जाएगा। मैं ये सब एडवाइस क्यों दे रहा हूँ पता नहीं, बट हाँ अगर आपको ट्राई करना है तो आप हाँ ट्राई कर सकते हो। प्लेटफॉर्म नंबर 5,
6, 7, 8 पे मेरा है और मेरा पाँव बहुत दुख रहा है। रात भर जग के तत्काल में टिकट लिया है, उसके बाद एक दिन सोया, मतलब नींद तो पूरा किया और बात वही हो गई। अभी जनरल में आया तो जनरल में आने का यही हो जाता है कि हाँ तो गया पर हाँ मेरा ट्रेन का ही बोल रहा है 13:50। अभी मेरे पास 40 मिनट्स है, 40-35 मिनट्स भाई लिफ्ट है, जल्दी जाता हूँ नहीं तो बंद कर दे। अरे यार बंद कर दिया घर। आप देख सकते हैं इस साइड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इस साइड पूरा आर्ट प्लेटफॉर्म में चेंज करके आया। अब लिफ्ट का वेट करना पड़ेगा मेरे को। स्वागत है भैया आपका अहमदाबाद स्टेशन पे। भैया देखिए देखिए भैया, लिफ्ट का वेट किया जा रहा है गाइस। लिफ्ट आती है फिर भाई कुछ पीने को लेता हूँ, पानी तो ले लिया है पर पानी बहुत पतला है, कुछ गाढ़ा चीज लेता हूँ जिसे गले में जाए और थोड़ा राहत मिले, और फ़ोन भी चार्ज करना पड़ेगा, फ़ोन चार्ज नहीं है। हाँ देखते हैं, लिफ्ट आ गया तो मैं आ गया और एक अंकल आ रहे हैं, उनका वेट कर लेते हैं। अरे अंकल उनका वेट कर लिया जाए तो बेचारे को फिर वेट करना पड़ेगा। थैंक यू। प्लेटफॉर्म नंबर 8 भाई बहुत भीड़ है इस पर, तो यहाँ तो जनरल का है, मुझे जाना है अपना यहाँ है S2 के पास। ओ हो मैं कोचिस साइड आ गया, फिर चलना पड़ेगा। भीड़ लोग भाई बहुत, मुझे तो लग रहा है ट्रेन में बहुत भीड़ होने वाला है क्योंकि अभी शादी भी आ रहा है, मौसम में तो बहुत लोग वेटिंग का निकल के चला जाता है, क्या करेगा मत है, कुछ किया जा नहीं सकता है। अरे घर जाकर रॉन्ग साइड से आ गया लगता है मुझे से। अरे कहीं नया जगह जाने का यही प्रॉब्लम है, मेरे को कुछ पता चलता चलता नहीं है। प्लेटफॉर्म नंबर 9, मैं पहले तो एक बार चेक करूँगा और अपना फ़ोन अब इसके बाद रिकॉर्ड नहीं करूँगा क्योंकि 10% चार्ज है। वहाँ देखता हूँ और पता करना पड़ेगा क्योंकि फिर से एक बार जब तक कंफर्म ना करूँ तब तक मेरे को राहत नहीं है। अरे भाई बहुत लोग है, बहुत मतलब बहुत लोग है, देखो जहाँ देखोगे वहाँ आदमी नहीं लोग ही दिखेगा। यहाँ अभी एक बस एक्सीडेंट हुआ, सामने एक्सीडेंट हुआ, दो ट्रॉली वाले टकरा गए। चलिए मिलते हैं आपको आगे कुछ होता है तो। ऑल राइट गाइस, अभी बज रहे सुबह के 7, मैं उठ गया हूँ, फ्रेश है, सो गया हूँ, हालत पूरा ख़राब है पूरा, अभी कोर्ट जनरल तक जैसा बन गया, अभी देखते हैं चाय नाश्ता करते हैं कुछ, मिलते हैं आपसे आगे कुछ अपडेट आता है। The next day. हाँ भाई घड़ी लो यार, फोन बनो तो चार्जर बनो। कितना का घड़ी है यार? 100 रुपये। इस तरह कर दिया। आसान का खाना अभी आप बोलिए। क्या क्या है खाने में भी आपको? सादा खाना मिलेगा, अंडा थाली है, अंडा बिरयानी है, एक स्टैंडर्ड वेज मिल ले लें। वेज? हाँ। कितना? 1.48।
इसका बिल ले आइएगा। देर नहीं दिया। ऑल राइट गाइस, ये दिया हमको थाली में, ये एक सब्जी है, ये तो मिक्सी हो गया, ये दाल और चावल, रोटी, सलाद और पिकल। देखते हैं अभी आगे क्या देता है। ऑल राइट गाइस, अगर खाने के टेस्ट की मैं बात करूँ तो खाने का टेस्ट एवरेज था, मतलब सूखा सब्जी अच्छा नहीं था, पनीर का सब्जी था तो ठीक, एंड दाल भी थोड़ा अच्छा था, चावल अच्छा नहीं था। ट्रेन का खाना आपको पता ही कैसा होता है। अभी बिल मंगवाया है, वो दही भी नहीं दिया था, वो अभी दोनों चीज़ मंगवाया है, लेके आते हैं, देखते हैं क्या होता है, बताते हैं आपको। गाइस फाइनली हमारा बिल आ चुका है, मैं आपको अभी अपना बिल दिखाता हूँ, कितने रुपए का बिल दिया मेरे को। स्टैंडर्ड वेज मील का दही नहीं दिया, लेकिन ट्रेन में इतनी भीड़ थी तो मैंने कुछ बोला नहीं, भाई उनको भी सर्विस करने में प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ बिल। ऑल राइट गाइस, तो आप देख सकते हैं ये हमारा बिल 80 रुपये का बिल है। देखिए बात ऐसा है कि जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक कोई आपको पूछेगा नहीं। इस ट्रेन में अभी भी 20 रुपये बोतल दिया जा रहा है रेल ने, कहीं कई जगह रेलवे सर्टिफाइड पानी नहीं दिया जा रहा था, फिर मैंने बोला कि भाई रेलवे सर्टिफाइड पानी तो दो, कंपनी का तो रेल ने वापस चलाया गया, मुझे तो 15 का ही दिया, लेकिन बाकी सबको 20 का, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा। सीधी बात है, सब बोलिए और बिल मांगिए तो आपको सही रेट मिलेगा। IRCTC जिला बोलती है, आप बिल मांगोगे, बिल अगर आपको नहीं देखा है तो आपको खाना फ्री मिल रहा है, तो मांगिए ना, बिल नहीं दिया तो फ्री में खाइए, सीधी बात यही सोच कर मांगिए। और अभी बज रहे हैं रात के 10 के करीब बज रहे हैं, और मैं देखे ट्रेन है अपना 2 घंटा लेट, तो देखते हैं क्या करना है। अभी सोच रहा हूँ सो जाऊँ, फिर मैं तो सोच रहा हूँ अभी तक जितना वीडियो बना वो एडिट कर लूँ और देखा जाएगा, मिलता है आपसे आगे कुछ होता है तो। The next day. गाइज अभी है हम पटना जंक्शन पे और मेरी ट्रेन छूट चुकी है, एक जो मुझे इंटरसिटी पकड़ना था वो मुझे नहीं मिली, वो छूट चुकी है। अभी मैं जा रहा हूँ दूसरा ट्रेन लेने, मिलता हूँ आग से आके। अहमदाबाद टू पटना का जो ट्रेन था, अहमदाबाद पटना एक्सप्रेस, उसकी अगर जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो स्लीपर का हाल तो जनरल जैसा कर दिया था, पूरा स्लीपर जनरल जैसा हो गया था, सब वेटिंग वाले आ गए थे। साफ़ सफाई में बोलूँ तो साफ़ सफाई में बहुत बेकार, खाना में भी खाना एवरेज था, मतलब। ऑल राइट गाइस, तो अभी मैं आ गया हूँ स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे वेट कर रहा हूँ अपनी ट्रेन का, और ट्रेन लेट है, मतलब मेरी 2 ट्रेन थी, एक इंटरसिटी सोचा था पकड़ूंगा पर वो तो छूट गई, दूसरी उसके बाद थी वो भी छूट गई, अभी एक आ रही है गरीब रथ उसमें जाऊंगा, और उसका टिकट नहीं है तो फाइन मारेंगे TTA पर, क्या कर सकता हूँ, जाना ज़रूरी है, नहीं तो 5 बजे तक रात को, मतलब 5 बजे यहाँ पर रात हो जाता है, तो 5 बजे तक ट्रेन नहीं है, जाता हूँ उसमें ही, और उसके बाद बताता हूँ। मेरी किस्मत बताओ भाई, बहुत बेकार है, ट्रेन 4 घंटा लेट, पता है सब बोलते हैं कि यार यूपी बिहार में लेट हो जाता है ट्रेन, ट्रेन एकदम टाइम पे था, MP में लेट हो गया, MP में बेमतलब का कोई क्रॉसिंग भी नहीं था, ट्रेन का ऐसे ही था, पता नहीं क्या हो रहा था, पता नहीं मेरे को ऐसे ही रोक के रखा था बहुत देर तक, 2 घंटे तक रोक के रखा, और ना कोई क्रॉसिंग हुआ ना कुछ हुआ, ना इंजन चेंज हुआ, पता नहीं इंजन चेंज हुआ कि नहीं हुआ, तो
और ठीक है, देखते हैं अभी क्या होता है, मिलते हैं आपको आगे। ऑल राइट गाइज, फाइनली मैं घर आ गया और बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। मैंने लास्ट में इंट्रो इसलिए नहीं शूट किया क्योंकि भाई मैं थक चुका था। तीन ट्रेन चेंज की मैंने, एक तो पहले जामनगर टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू पटना, पटना टू भागलपुर। भागलपुर मेरा गांव है, तो नानी का गांव। अभी आके बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे याद भी नहीं है मैंने वीडियो कहाँ पर छोड़ा था लास्ट, तो मैंने सोचा अभी आया हूँ ऐसे ये एंड बना दूंगा और एडिटिंग के टाइम देख लूँगा। तो मिलते हैं आके आपसे ही, और तब तक के लिए बाय बाय।